आपकी आवाज यहाँ पहुंचे तो मैं आपको कुछ बताऊं। बहुत एक्साइटेड है। ये 25th आईटी अवार्ड है, इसका मुझे इल्म नहीं था, अभी पता चला, मगर आई एम वेरी एक्साइटेड। एनीवेज जब भी होता है आईटी अवार्ड, और मैं हमेशा आईटी अवार्ड का एक हिस्सा होता हूँ, या ऑडियंस में या रिसिपेंट में। एक आध बार शायद मैं मिस कर गया हूँ, तो वो भी कोई वजह हो रही होगी। मेरा बहुत करीब का संबंध है इससे। एक तो अनु रंजन और शशि रंजन मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। शशि रंजन इज़ माई बैचमेट फ्रॉम द डेज ऑफ फिल्म इंस्टीट्यूट, एक ही क्लासमेट हैं हम लोग। मुझे बड़ी खुशी भी होती है, और मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ उसके लिए। क्या कर रही हूँ भैया? अच्छा ही फील कर रही हूँ, क्योंकि एक तो ये बहुत महीनों बाद कोई एक अवार्ड फंक्शन हुआ है, और वो भी आईटीए का, जो कि हमेशा बहुत एंटरटेनिंग होता है, और अच्छा लग रहा है। लग रहा है थिंग नॉर्मल हो रही हैं, तो काफ़ी मैं देख रही हूँ, काफ़ी केयरफुली सब कुछ किया जा रहा है। अच्छी शुरुआत हुई है, आईटी अवार्ड से शुरुआत हो गई, फिर नॉर्मल सी की, मतलब नॉर्मल जो भी आएंगे आपको सुनने में मिल जाएंगे। मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ कि द पार्ट ऑफ आईटीए फैमिली, और मैं आईटीए के 20th बर्थडे पर यहाँ पर हूँ। मैं काफ़ी खुश और काफ़ी एक्साइटेड हूँ यहाँ, और ये मेरा एक्चुअली लॉकडाउन के बाद पहला अवार्ड शो है जिसे मैं अटेंड कर रही हूँ, बिकॉज आई वॉज रियली एक्साइटेड एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ आईटीए फैमिली। जी, मुझे एक्चुअली ग्लिटर्स ब्लिंग्स बहुत पसंद है, और आज मैंने फाइनली पहन लिया। इससे पहले मैंने कभी इतना ब्लिंकी आउटफिट कैरी नहीं किया, बट या टुडे आई गॉट द चांस एंड मेरे पास काफ़ी टाइम था टू चूज टू डिसाइड, तो या मैंने बहुत सारा टाइम दिया खुद को रेडी करने में। हैप्पी वैलेंटाइंस डे आप सबको। सबसे पहले आप सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे, और ऑफ कोर्स रोमांटिक सीज़न है, और 2020 के बाद आज हम सब यहाँ मिले हैं एक अवार्ड फंक्शन में, सो फील्स ग्रेट। जी हाँ, आज वैलेंटाइंस है, तो मैं भी आज फुल वैलेंटाइन थीम में रेड पहन कर आई हूँ, द कलर ऑफ लव, बिकॉज हम सब अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सो आई थिंक मैं भी इस वजह से यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, फुल रेड पहन के सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइंस। लॉकडाउन में मैंने बहुत कुछ किया यार, मतलब जितना हम फैमिली फ्रेंड्स से हम यू नो जितना वीडियो कॉलिंग्स पे बात की है, जितना उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, आई थिंक वो मैंने कभी नहीं किया। एंड ऑफ कोर्स यू गेट टू नो अपनी प्रायोरिटीज़ क्या है, अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली की हेल्थ, वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। और पैंडमिक में सीखा ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक नई लैंग्वेज सीख रही थी मैं,
बस वही किया मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं किया, रेस्ट किया, वर्कआउट्स किया, अपने आप को समझा और कोशिश की कि मैं अपने आप को जितना पॉजिटिव रख सकूँ वो रखी, बिकॉज ऑफकोर्स सबको एंजाइटी हो रही थी, बहुत कुछ हो रहा था. सो इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अपने आप को बैलेंस रखूँ, अपने आप को पॉजिटिव रखूँ. एंड ऑफकोर्स मेरे डैड मेरे साथ थे, सो इट वॉज फाइन. बस सबको यही कहूँगी कि थैंक यू वेरी मच जो मेरे शो को आप पसंद करते रहे हो, एंड स्पेशली नागिन. सबको बस यही कहूँगी कि ऐसे ही प्यार देते रहना और अपनी गुड विशेज देते रहना. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. क्या क्या करना? अच्छा रोल वन फोर. क्या क्या कमाल है? कमाल क्या है? नो नो नो, वो कमाल इसलिए क्योंकि मैंने बूट्स पहने हुए हैं, एंड वो कमाल सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने बूट्स पहने हुए हैं और मैं बहुत ही ग्राउंडेड फील कर रही हूँ. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत होपफुल हूँ कि यू नो हमने जो करने की कोशिश की है, बहुत दिल से शूट किया है वेब सीरीज़, और आई होप विमेंस डे पे रिलीज़ हो रहा है. इट शुड रीच एवरीबडी, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. टुडे आई एम हियर बिकॉज दे आर अवार्डिंग, असुर को अवार्ड मिल रहा है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, एंड आई एम हियर फॉर माई टीम. यस आई एम भाई, मैं सबको यही बोल रही हूँ कि एक साल के बाद हम सब मिले, एक साल के बाद सब लोग एक दूसरे को मिले, सो आई एम एक्साइटेड टू मीट एवरीबडी. बहुत टाइम से दूर दूर से ही मिलेंगे, लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग एवरीबडी. मैंने सीखा, मैंने गेम सीखा सीक्वेंस. हर शाम को मैं और मेरे नेबर्स हम बैठ के सीक्वेंस खेलते थे, और ये सीखा है कि यू नो लाइफ में कम चाहिए, यू नो यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ. अपने लोग साथ में होने चाहिए, अपना परिवार, अपने यू नो जो फैमिली और फ्रेंड्स हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव देम क्लोज टू यू. आई थिंक यही लर्निंग सबकी रही है. सो क्वालिटी ऑफ लाइफ यू नो पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, यही सारी चीज़ें बस. हमारा काम तो हो गया, मेरा काम हो गया है, सो आई फील लाइक नाउ इट्स यू नो अब मेरे हाथ से बाहर है, सो नाउ इट्स टू द ऑडियंस एंड व्हाट दे डू, हाउ दे अप्रिशिएट इट, बस उसका इंतज़ार है मुझे. थैंक यू, टेक केयर. थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू. स्कैम एक सीरीज की थी उसके लिए है भाई जी. थैंक यू, थैंक यू. देखिए हर एक्टर यही चाहता है कि हर काम के बाद अप्रिशिएट करे, लेकिन स्कैम के बाद शायद कुछ ज़्यादा ही मिला है, एंड हम लोग सब बड़े आभारी हैं लोगों के, शुक्रगुजार हैं कि दे हैव लाइक दिस सीरीज, एंड होपफुली दे विल कंटिन्यू टू शो द सेम लव टू दिस सीरीज दैट वी हैव ऑल डन टुगेदर. क्यों चिल्लाता है यार? बहुत महीनों के बाद हम लोग COVID-19 के बाद एक जगह इकट्ठा हुए हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बाहर निकले, बोर हो गए थे कुछ एक साल घर में बंद होकर, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर. जैसे जैसे प्रोजेक्ट करता रहूँगा खुलासा करता रहूँगा. अभी हाल में एक फिल्म कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स के लिए, साकेत चौधरी जी डायरेक्टर है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. इट्स अ लव स्टोरी. थैंक यू, थैंक यू. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे नॉमिनेट किया गया है आज आईटी में. ये मेरा पहला आईटी है, एंड बीइंग अ डिजिटल यूट्यूबर बेसिकली इज द राइट वर्ड, आई एम वेरी हैप्पी कि एक टेलीविजन अवार्ड्स में इतने सारे डिजिटल स्टार्स को नॉमिनेट किया गया है, जिनमें से मैं हूँ. आई एम सो थैंकफुल, एंड थैंक्स टू ऑल द ज्यूरी, थैंक्स टू ऑल द पीपल जिन्होंने मुझे नॉमिनेट किया, तो बहुत खुशी हो रही है.
नहीं, बस उनका ही है सब, उनका ही राज है, उनके जैसे यहाँ पे है, उन्होंने ही बनाया, उनमें से ही आए हैं, सो हमेशा उनको थैंकफुल रहेंगे। कुछ कंटेंट में चेंजेस आएंगे, कुछ न्यू करने की कोशिश करता ही रहूँगा मैं। ऑडियंस को कॉमेडी देनी है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डिफरेंट पेडिग्री के साथ, सो लेट्स सी क्या होता है आगे। इतनी सारी कैमरा ऑन करके रखी है, बिजली का बिल जरा वापस आएगा। ओके थैंक यू सो मच। तो दुनिया जिनकी हो एंड हम दोनों से बड़ा कौन? हां बड़ा कौन? आप से बड़ा कौन? कितना ऐसा 2 सेकंड 3 सेकंड का होगा, 1 मिनट का होगा, कुछ भी बोलूंगा आप ऐसे एक दूसरे को देखते हैं, आप हो आप बड़े, आप बड़े, ये बड़े, ये चलो थैंक गॉड सीधा जवाब दिया, सीधे जवाब को तरस गया था मैं। ओके थैंक यू सो मच फॉर आइकिंग, लवली मीटिंग यू गाइस, व्हाट आर डूइंग, एंजॉय योर ट्रिप, थैंक यू। सबसे पहले तो हाय, अंदाज में कैमरा लोग मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, इसका पता नहीं, अभी परफॉर्मेंस भी दिया, वो जाके देखो। हमने एक्चुअली रेड कार्पेट होस्ट किया है, अंदर जो होस्ट कर रहे हैं दैट इज मनीष सर, हम बाहर का एरिया ये हैंडल। सो हमें इंतजार था आशीष चंचलानी का इंटरव्यू लेने के लिए, मनीष सर का था, निकल गए और हम उनसे मिल नहीं पाए, बट कोई बात नहीं, सेट पर मिलेंगे। हम बहुत सारे अच्छे 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 आर्टिस्ट से हम मिले हैं, तारक मेहता की टीम एंड क्राइम पेट्रोल की टीम, सो वी रियली वांटेड टू मीट देम एंड फाइनली वी डिड, इट वाज रियली गुड। एंड पैंडेमिक के बाद से हम सभी यहां बाहर आए हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो आप बताइए कि पैंडेमिक के दौरान आप लोगों ने ऐसी कौन-कौन सी चीजें सीखी, एक्टिविटी सीखी जो आप लोगों के लिए? हमने कुकिंग सीखी एंड एक्टिविटीज़ के अलावा हमने ये सीखा डेडिकेशन, मोटिवेशन और पॉजिटिविटी, ये सबसे ज़्यादा सीखा हमने। ऑफ़ कोर्स वी लर्न्ड डांसिंग, काफ़ी इम्प्रोवाइज किया अपने डांस पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, एक सेकेंड, अरे क्या कर रहे हैं देखिए ट्रेलर अप्रिशिएट हुआ, अभी तक शो आना है, आई एम होपिंग लोगों को पसंद आए, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू समथिंग डिफरेंट, और डिफरेंट करने के लिए गट्स लगते हैं, होप इट वर्क्स, थैंक यू सो मच। सी मैं यहाँ इसलिए हूँ, आई थिंक बिकॉज अनु जी और मेरा पुराना रिलेशन है और इतने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, एंड आई ऑलवेज कम फॉर आई टी एच लाइक इम्पोर्टेंट। एक तो उन फैंस को क्या कहना चाहिए जो चाहते हैं कि नागिन फाइव ऑफ एंड आ जाए, प्लीज कुछ कहिए। अब देयर इज अ न्यू वर्जन, ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। एकता जी पैंडेमिक है एंड पैंडेमिक से जैसे हम मतलब बाहर हम आ रहे हैं लाइक मुझे तो पैंडेमिक के दौरान लॉकडाउन के दौरान ऐसी वो कौन सी चीज़ जो आपने सीखी आपने घर में अगर आप बता सकें? अकेले रहना, मेरा काम बहुत लोगों से मिलना होता है, आई एम श्योर आपका भी वैसा ही है, तो वो बहुत टफ था कि अकेले रहना। एकता जी वैलेंटाइन डे भी है तो आज की शाम कुछ ऐसी स्पेसिफिक बात होने वाली है आपके साथ में? कोई मीडिया आप पे भी क्लिक नहीं करेगा, नो वन, हो गया वो तो भी
Hi. Happy Valentine's Day to everyone. I am very excited. ये मेरा first ITA award function है और ये award function ये 20th award function है ITA का and I'm super excited because ये COVID के बाद जो ये जो pandemic के जो unlock के बाद first award function है. I'm very excited, very happy and my show is nominated. तो मैं बहुत positive हूँ. उम्मीद से आई हूँ कि मैं हमारा show ये award जीत जाए. मैं मेरे ऑडियंस को कहना चाहूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप मेरा शो देखते हैं हमारा शो देखते हैं अनुपमा आप उनको इतना सराहते हैं प्यार देते हैं और इतनी डेडिकेशन के साथ देखते हैं वी थैंक यू गाइस अ लॉट फ्रॉम अ बॉटम ऑफ माई हार्ट ये हमें एक यू नो एक जिम्मेदारी देता है कि हम रोज़ हमारा अच्छा काम करें और आपको एंटरटेन करें आपसे कनेक्ट कर पाए थैंक यू सो मच फॉर लविंग अनुपमा थैंक यू सो मच फॉर लविंग ईच कैरेक्टर ऑफ अनुपमा आई फील ग्रेट ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द शो एंड प्लीज़ शो देखते रहिए उसे प्यार करते रहिए ताकि हम ऐसे ही यू नो जीतते जाए और यू नो चलते जाए आगे मैंने सीखा तो लाइक डांस आई यूज़ टू टेक ऑनलाइन क्लासेस मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी डांस की मैंने कुकिंग सीखा मैं किचन में ज़्यादा जाती नहीं थी बस चाय थोड़ा बहुत रोटी वोटी बनाती थी कुकिंग सीखी ड्राइंग पेंटिंग एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सीखी है मैंने लाइफ में कि इंसानों की ज़्यादा वैल्यू करना बड़ा छोटा सब एक ही है एंड फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना प्यार देना फ्रेंड्स को सबको जो अपने आसपास के लोग हैं उनकी मदद करना एंड एक अच्छा इंसान बनना ये मैंने ज़रूर सीखा है हाँ वो तो लाइक आई कैन डू इट इट्स सो सिंपल मैं कर सकती हूँ यस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुश हूँ कि जो किंजल का कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा बन गया है इन द शो मैं चाहती हूँ वो ऐसा ही और अच्छा तरक्की करें बिकॉज करंटली आई एम डूइंग द शो कॉल्ड अनुपमा तो मैं उसके शो की बात करना चाहूँगी आई एम हैप्पी एंड आई होप कि सब अच्छा चले पॉजिटिव चले नहीं कुछ कुछ देखती हूँ बट या इफ़ यू आस्क मी अबाउट पर्टिकुलर पर्सन तो या बता सकती हूँ थैंक यू वैसे तो अवार्ड फंक्शन में काफ़ी वैसे तो अवार्ड फंक्शन में काफ़ी लोग डेक्ड अप एंड ड्रेसअप होके आते हैं आई ऑल्सो वॉन्टेड टू बी लाइक दैट बट देन मैंने चूज किया टू बी सिंपल एंड एलिगेंट एंड क्लासिक तो हाँ ये मेरा वाइन कलर का गाउन है जो मैंने पहना है मेरी स्टाइलिस्ट सुजाता ने मुझे रेकमेंड किया है सो या अनकम्फर्टेबल फाइन एंड पाली गाउन थैंक यू यहीं पर खड़े रहना आप सवाल पूछेंगे मैं आपको ही देखूंगा देखूंगा इतने में से कौन से और इम्पोर्टेंट है अरुण अरुण कुमार उसका नाम है मतलब स्कैम शायद लोगों के लिए बहुत अच्छा कर रहा है ये पहली बार हुआ है स्कैम ने मेरी लाइफ बदल वैसे स्कैम लाइफ बदलते रहता है पर मेरी लाइफ बहुत अच्छी तरह से बदल सो थैंक यू वेरी मच दर्शकों ने जितना प्यार दिया इतना प्यार शायद ही किसी भाग्यशाली को ही मिलता है मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानता हूँ कि मैं इस सीरीज़ का पार्ट बन पाया मैं ऐसा एक किरदार कर पाया जो लोगों के लिए कुछ होता और मुझे इतना प्यार दिया सो थैंक यू वेरी मच बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट मेरे पास आए हैं मैं इस साल कुछ वेब सीरीज़ कर रहा हूँ कुछ फिल्में कर रहा हूँ और आशा तो यही है कि जैसे ये किरदार आपको पसंद आया है वैसे ही कुछ एक्साइटिंग किरदार बना पाऊँ तो आपको और पसंद आया मेरे लिए तो
सालों से ये अवार्ड से और जब देख रहे थे तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कभी ऐसा मौका आएगा कि यहाँ नॉमिनेशन होगा और जाने का मौका मिलेगा. तो ये बार पहली बार हुआ है मेरी लाइफ में. सो मैं उतना ही एक्साइटेड हूँ. लेट्स सी हु विंस. जी मैं तो सारे फॉर्मेट में एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हूँ. तो जल्दी ही कोई म्यूजिक वीडियो भी करवा. मेरे लिए सबसे फायदेमंद तो ये रहा है कि हर्षद मेहता का इंतजार करने के लिए मैंने कुछ 18 किलो वजन बढ़ाया. जैसे कि पैंडेमिक चालू हुआ सब घर में बंद हो गए थे मैंने वो वजन कम करने की प्रोसेस शुरू किया. वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा मेरे लिए. दूसरा खाना बनाना मुझे आता है तो वो एक सीख मेरा प्रयत्न किया है. देखें आप कभी बनाओ और कुछ खा पाए. थैंक यू सर जी. मैम कम दिखो क्या ना मैम ओनर राइट. थैंक यू मैम. जय माता दी. जय माता दी. ए हीरा थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे. आवाज की खराब हो गया. जंगल करवा रहा है. आवाज के साथ ले ले फिर मैं एक बार फ्री हो जाऊंगी इससे. मिले काफी मिल गया था. Thank you.
Congratulations, ma'am. Sir. थैंक यू थैंक यू आपकेदार एंट्री आपकी यहाँ पर रेड कार्पेट में क्या कहना चाहिए मैम आई एम सो बाइक चल रहा है सर बाइक हो रही है यार और पतले हो जा आप श्वेता जी आइए बाइक दोनों चल उधर चल चल मैं दिखूंगे नहीं इनके सामने हाँ चल देखिए मुझे अवार्ड ये नहीं मिला ये कसौटी जिंदगी को मिला है कसौटी जिंदगी के सफर को ये अवार्ड मिला है और इसमें हर एक कैरेक्टर जो थे उनको ये अवार्ड मिला है एकता को शोभा आंटी को बालाजी को मिला है उनके हार्डवर्क को मिला है तो मेरे ख्याल से ये शो एक्चुअली इतना बड़ा और इतना बेहतरीन बना था कि उसे अप्रिसिएशन मिलना जायज़ है और मिलना भी चाहिए था इतने सालों बाद भी आज भी लोगों के दिमाग में मेमोरी है आज भी लोग पहले की प्रेरणा पहले की कुमोलिका और बजाज को नहीं भूल पाए तो आई थिंक इनक्रेडिबल एंड आई थिंक दिस शो डिजर्व्स मैम आपने कहा नागिन तो नागिन कितना देखा आपने मैम को नागिन में कहाँ देखा है जगह ही छाई रहती कहीं देखने की जगह आप इंस्टाग्राम खोलो सबसे पहले ही आती है अच्छा अच्छा हर जगह ही आती है चिप्स खाती हुई आती है और फिर भी ऐसी देखो यार हो जाएगी आप अपनी लॉगिन करो निकल जाएगी कैसे पता भी नहीं चलेगा लुक एट एंड लुक इट प्लीज प्लीज श्वेता आप जानते हो कि यू आर सो इंस्पायरिंग हमारी एक्चुअली प्रेरणा है ये एंड शी इज यू नो द लास्ट टाइम आई सॉ हर सम अदर अवार्ड फंक्शन उससे भी आधी हो गई है ये एंड शी इज लुकिंग स्टनिंग नो आई एम टेलिंग यू यू आर गोइंग बैकवर्ड्स इन टर्म्स ऑफ एज आल्सो सो लेट्स बी ऑनेस्ट चलिए चलिए हां तो वो सही बोल रहे थे हां और आई व्हेन आई एम ऑनेस्ट आई एम ऑनेस्ट एंड आई फील दैट यू आर जस्ट लुकिंग स्टनिंग टुनाइट स्टनिंग टू लुक एट लुक हूज टॉकिंग मुझे याद है जब मैंने सुरभि को उसी सेम अवार्ड फंक्शन में जब देखा तो मैंने कहा था यार तूने अपने आप में से एक सुरभि निकाल दी शी लॉस्ट सो मच वेट शी इज लाइक गॉड शी वाज लाइक ओ माय गॉड सुरभि लुक एट यू यू आर सो थिन एंड गॉर्जियस जस्ट लुक एट आजकल की जनरेशन जब इतनी हार्ड वर्क कर सकती है तो हम पीछे नहीं रह सकते वी हैव टू मैच आउट वी हैव टू बी देयर देखिए मैम ने कितना अप्रिशिएट कर दिया आपको मैम पर मैम हमेशा करते हैं लास्ट टाइम भी जब मिले थे बहुत अच्छा यही बोले सही बोली उनको याद थी ये बात कि तुमने सुरभि को एक सुरभि बाहर निकाल दी मतलब वो मैं मानती हूं कि मैं अच्छी खासी थी दो तीन सुरभियां थी मेरे अंदर तो एक को मैंने निकाल दिया बट इट्स अ शो लाइक दैट जहाँ पे ऑटोमेटिकली आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो बिकॉज लुकिंग एट हाउ मौनी और सुरभि ज्योति और निया एवरीबॉडी अदा इन्होंने इतने कमाल तरीके से अपने किरदार निभाए हैं सो व्हेन दे हैव या दे हैव क्रिएटेड दिस सेट ऑफ मार्क लाइक दैट यू नो आई हैव टू लिव अप टू थोड़ा बहुत टू दैट थैंक यू थैंक यू मेरा वर्ड है ये मेरा ओके थैंक यू ओनली मी ना कोई